एक ऐसी चटनी है जो कि पाउडर की तरीके से बनती है। सही सुना आपने, पाउडर के फॉर्म में चटनी, और इसे कहते हैं गन पाउडर चटनी। गन पाउडर इसलिए क्योंकि काफी तीखी होती है और बिल्कुल गोली की तरह से हिट करती है। सो दिस इज अ पाउडर चटनी नोन एज मुलगा पूरी। चलिए इस पाउडर चटनी यानी कि गन पाउडर का मजा लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में लेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। आई एम टेकिंग अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ ऑयल, और इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देते हैं। अब इस ऑयल में मैं डालूंगी 4 टेबल स्पून चना दाल। ये सूखी चना दाल है, भिगो के नहीं रखनी। और इसके साथ डालूंगी 3 टेबल स्पून में उड़द की धुली दाल। और अब हम इनको रोस्ट कर लेंगे जब तक ये एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं अक्वायर कर लेती, और साथ ही साथ में इनमें बढ़िया सी खुशबू आ जाए। तो जब इसमें हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए और बढ़िया सी खुशबू भी आने लग जाए, इसमें डालूंगी मैं ये होल रेड चिलीज है मेरे पास। कौन सी होल रेड चिलीज यूज करेंगे? आप बेदगी चिली यूज कर सकते हैं, सनम 4 यूज कर सकते हैं। दीज आर क्वाइट पंजेंट नाइस चिलीज। या तो आपके पास जो भी लोकल आपको होल रेड चिली मिले, विच इज पंजेंट, जो थोड़ी तीखी है, आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इनको तोड़ लेंगे और ये मिर्च हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये मिर्च भी इसके साथ इसमें थोड़ी सी भून जाए। और अब इस मिर्च को भी भून लेंगे ताकि ये मिर्च भी फ्रेग्रेंट हो जाए। और जब ये उड़द की दाल वाइट से एकदम गोल्डन हो जाएगी, आई एम गोइंग टू एड टू दिस सफेद तिल। दिस गोज इन, और गैस को मैं कर दे रही हूं बंद। मेरे पैन में जितनी हीट है उतनी हीट में ये तिल जो है अच्छे से भून जाएगा। और अब इसे मैं ठंडा होने दूंगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच चीनी के साथ मैं इसे पीस लूंगी। अब चीनी किस लिए? क्या आप जानते हैं कि 1 चम्मच चीनी इस मिर्च के टेस्ट को और तीखा करेगी और टेस्टी बनाएगी। सो टू एड टू द पंजेंसी ऑफ माई रेड चिलीज, आई एम एडिंग अ लिटिल शुगर एज वेल। तो ठंडा भी हो चुका है अब ये, और अब इसको मैं पीसूंगी मिक्सी में। लेकिन मुझे इसका बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ना ही इसको बहुत ज्यादा दरदरा रखना है। सो समवेयर इन बिटवीन, यानी कि एक कोर्स हमको इसका पाउडर बनाना है, एंड देन इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो ये कोर्सली ग्राइंड हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक और चीनी ऐड करती हूँ। तो एडिंग अबाउट अ स्मॉल टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और साथ ही साथ में 1 चम्मच चीनी भी, तीखे की जान और बढ़ाने के लिए। और फिर से इसे हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी, सो दैट ऑल दीज जस्ट मिक्स टुगेदर। सो जस्ट पल्स इट अ बिट एंड देयर वी आर। ये मेरा गन पाउडर रेडी हो गया। टेस्ट करूं? हाय, आहा, मजा आ गया। एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो जैसे मैंने कहा, इस पाउडर को आप स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयरटाइट कंटेनर में फॉर अबाउट 3 मंथ्स। वैसे तब तक बचना बिल्कुल नहीं चाहिए ये। और अगर इसकी चटनी बनानी है तो क्या करेंगे? चटनी बनाने के लिए या तो मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा देसी घी, या आप जैसे मैं करती हूँ इसमें थोड़ा सा दही भी मिला सकते हैं। तो मैं तो इस गन पाउडर चटनी का मजा लेने वाली हूँ अपने डोसा के साथ। आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ और चिप्स के साथ एज अ डिप भी यूज कर सकते हैं। कितना आसान था कि नहीं था, बताइए मुझे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ ऐसी ही बेहतरीन सी रेसिपीज भी।